हाय फ्रेंड्स, यूपी कैडेट काउंसिलिंग 2021। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सीट मिल चुकी है तो कैसे चेक करना है, अगर सीट नहीं मिली है तो कैसे चेक करना है। ठीक है, तो अगर आपको सीट मिल गई है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है वो सही तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने में अगर गलती कर दिया है तो आपको सुधारने कैसे हैं, उसका सही तरीके क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आपने तीन स्टेप तक पूरे किए हैं अभी। ठीक है, तीन स्टेप में आपका क्या था, विश्वविद्यालय, कॉलेज और वैसे फ्री सीट या पेड सीट का चुनाव करके प्रिंट आउट आपने अपने पास सुरक्षित रखा होगा। ठीक है, तो आपको चौथे स्टेप में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी सीट अलाटमेंट हो गई है। तो आपको देखना कहाँ है, यूपी कैडेट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहीं पर जाकर देख सकते हैं। तो देखने की जो तिथि है वो 14 तारीख है। ठीक है, आप कल ही इसको जाकर देखिएगा कि आपको सीट अलाटमेंट हुई कि नहीं हुई। तो जैसे ही अगर आपकी सीट अलाटमेंट हो जाती है तो आपको पाँचवा स्टेप पूरा करना पड़ेगा। पाँचवें स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो प्रक्रिया है, आपको अपना रोल नंबर, जन्मतिथि, पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। आपको खुद से नहीं करना है, किसी साइबर कैफे पे जाकर वहीं से करवाना है। आज सभी जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके पास, उन सभी को पीडीएफ बनवाना है स्कैन करके। तो चलिए हम बता देते हैं कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपका लगेगा। ठीक है, तो आपका एक शैक्षिक प्रमाण पत्र, दूसरा हो जाएगा अंग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसफ़र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, या फिर आपको कोई डिसबिलिटी है तो आप उसका भी प्रमाण पत्र यूज कर सकते हैं। ठीक, फ्रीडम फाइटर से अगर आप आते हैं तो आप उसका भी प्रमाण पत्र यूज कर लीजिएगा। डिफेंस पर्सन है, जिसे भूतपूर्व सैनिक कहते हैं, या खिलाड़ी प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कृषि विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारी हों। ठीक है, जिनके आप पुत्र लगते हों या फिर पुत्री, पति हो सकते हैं या फिर पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, इसका भी प्रमाण पत्र आपको स्कैन करके, स्कैन कॉपी, ठीक है, इसको स्कैन कराकर पीडीएफ बनवाकर उसको अपलोड करना है। उसको अपलोड कब तक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड निर्धारित तिथियों में ही करना सुनिश्चित है। ठीक है, तो 15 तारीख से आपका 18 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो 15 के और 18 के बीच में आपको अपलोड कर देना पड़ेगा। सिक्स स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्स स्टेप में आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बनाकर हमारे पास अपलोड किया था हमारी वेबसाइट पे, उसका सत्यापन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, जो कि अंतिम प्रोविजनल होगा। ठीक, ये सही है या गलत है, ठीक है, और क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, ये सब सारी चीज़ें ये बताएगा। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है उसके जस्ट पश्चात ही मोबाइल नंबर पर या फिर लॉगिन आईडी पर मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आते ही ये पता चल जाएगा आपको कि हाँ, हमारा वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो उसी दिन से और तिथि दी जाएगी उसमें, निर्धारित तिथि तक आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। एक तिथि आपको उसमें दी जाएगी कि इस दिन से इस दिन तक आपको फीस को जमा कर देना है। जैसे ही आप फीस जमा करेंगे, आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसमें समय दिया रहेगा, ठीक है, कि कब से कब तक आपको उपस्थित होना है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत है तो आपको मैसेज किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है। ठीक है, आप अपने यूपी कैडेट के वेबसाइट पे भी जाकर वहाँ पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं है, हमेशा चेक करते रहना है। ठीक है, एक आपको दिनांक दिया जाएगा, डेट दी जाएगी कि आप इस दिन से उस दिन तक जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर बॉक्स हमेशा चेक करते रहना है और लॉगिन आईडी खोलकर भी आप निरंतर अवलोकन कर सकते हैं। सातवें स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सूचना मिल चुकी है कि आपका डॉक्यूमेंट्स गलत है, फिर से अपलोड करिए। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर स्कैन करने हैं, फिर से अपलोड कर देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप फिर से अपलोड करते हैं, उसके बाद आपका आठवें स्टेप में वेरिफिकेशन के लिए फिर से लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका वहां पर पाया जाएगा कि आपका सभी जो है शैक्षिक अर्हता सूचना विवरण के अनुसार नहीं होने की दशा में है, तो आपको प्रवेश निरस्त भी कर दिया जाएगा। इसलिए आप फिर से सही सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा।